नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल टेक्नो कोठियाल में। तो आज आपके लिए एक और इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आ गया हूं। आज हम ओप्पो इस फ़ोन की अनबॉक्सिंग करेंगे जिसका नाम है दोस्तों ओप्पो A12। तो बॉक्स की बात करता हूं सबसे पहले, तो काफ़ी कलरफुल बॉक्स आपको देखने को मिल जाता है। आपको वाइट में ये बॉक्स देखने को मिलेगा पूरा, और बाकी आपको ओप्पो की जो मॉडल है उसकी पिक यहाँ पे देखने को मिल जाती है। बीच में आपको बड़ी सी ब्रांडिंग ओप्पो A12 की देखने को मिल जाएगी, ऊपर भी ओप्पो की ब्रांडिंग है। ऊपर 3/32 लिखा है इसमें, और एक वेरिएंट और आएगा इसका 4/64 में। तो फिलहाल हमारे पास 3/32 अवेलेबल है, तो आज हम इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम बॉक्स को देख लेते हैं दोस्तों। तो आपको व्हाइट कलर में पूरा बॉक्स देखने को मिल जाता है। आपको अगर बैक साइड की बात करता हूँ तो आपको कुछ फीचर अपडेट यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो इसके मेन हाईलाइट फीचर जो होंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। 6.22 इंच की HD+ वाटर ड्रॉप स्क्रीन आपको देखने को मिल जाएगी। AI ड्यूअल रियल कैमरा है इसका, तो मैं आपको बाद में बता दूंगा कि कितना मेगापिक्सल का कैमरा आपको मिल जाता है। 4230mAh की लार्ज बैटरी आपको देखने को मिल जाएगी, और फिंगरप्रिंट सेंसर एंड AI फेस लॉक इसमें आपको मिल जाता है। अगर मैं इस साइड की बात करता हूँ तो यहाँ पर आपको फीचर अपडेट देखने को मिल जाएंगे बहुत सारे, और आपको इसका प्राइस भी देखने को मिल जाएगा। मैं बॉक्स की बात करता हूँ तो यहाँ पे 10,990 इसका प्राइस है। अगर आप इसे ऑनलाइन या ऑफलाइन लेते हैं तो वो आपको डिपेंड करता है कि कितने का मिल जाता है। तो फटाफट से मैं बॉक्स को ओपन कर लेता हूँ। सबसे पहले मैं इसकी पॉली हटा देता हूँ ये वाली। तो मैंने पॉली हटा दी है, मैं बॉक्स को कर रहा हूँ ओपन। तो सबसे पहले हमें ये एक जादू का बॉक्स देखने को मिल जाता है। किसी में हमें कवर देखने को मिलता है, किसी में नहीं। तो अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो सबसे पहले हमें सिम इजेक्टर टूल देखने को मिल जाएगा, तो इसको मैं साइड में रखूँगा। बाकी कुछ यूज़र गाइड और वारंटी कार्ड हमें देखने को मिल जाता है, तो इसको कोई पढ़ता नहीं है। वारंटी कार्ड आपके काम आएगा, तो इसको भी हम रखेंगे इस साइड। बात करता हूँ इसके कवर की, तो आपको इसमें कवर देखने को मिल जाएगा, तो काफ़ी ठीक ठाक क्वालिटी है, मिल रहा है वही बहुत है। बाकी छोटे फ़ोनों में आप देखने को कहाँ मिलता है कवर। तो इसको भी हम बॉक्स में पैक कर देते हैं और रखते हैं इसको साइड में। अब आता हूँ मैं फ़ोन की तरफ। तो ये आपका फ़ोन होगा, तो इसको अभी हम साइड में रखेंगे। बाकी देख लेते हैं इसमें आपको कौन सी केबल मिल जाती है। टाइप सी होनी चाहिए। नहीं दोस्तों, आपको माइक्रो USB केबल देखने को मिलेगी, तो टाइप सी से मिसिंग है। एक सबसे बड़ी कमी आपको ये मिल जाती है इस फ़ोन में। बाकी आपको एयरफोन भी देखने को नहीं मिलेगा। अब मैं एडाप्टर देख लेता हूँ इसका। तो यहाँ पे जो एडाप्टर आपका मिल जाता है इस फ़ोन में, वो आपको 5V 2A का एडाप्टर इसमें होगा। तो कोई फास्ट एडाप्टर भी आपको इस फ़ोन में देखने को नहीं मिलता इस प्राइस रेंज में। मिलना चाहिए था पर नहीं है, तो क्या कर सकते हैं, ओप्पो की बात है। बाकी बॉक्स में आपको कुछ देखने को नहीं मिलता। अब मैं आ जाता हूँ इस फ़ोन की तरफ। तो अगर मैं फर्स्ट लुक की बात करता हूँ तो काफ़ी अच्छा लुक आपको दोस्तों देखने को मिल जाएगा। बैक साइड में आपको 3D डिज़ाइन में बैक पैनल आपको देखने को मिल जाएगा, काफ़ी अच्छा लग भी रहा है दोस्तों। ब्लू कलर में हमारे पास ये अवेलेबल है, और आपको एक ब्लैक कलर भी और इसका देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों जल्दी से इसे ओपन कर लेता हूँ, तो देखते हैं। आपको नीचे की तरफ यहाँ पे आपको स्पीकर ग्रिल देखने को मिल जाएगा, माइक्रो USB पोर्ट आपको देखने को मिल जाता है, माइक्रोफोन देखने को मिल जाएगा, और आपको यहाँ पे हमारा प्यारा दुलारा हेडफोन जैक दोस्तों मिल जाता है। अगर मैं इस साइड की बात करता हूँ तो आपको यहाँ पे वॉल्यूम रॉकर देखने को मिल जाएंगे, और ऊपर आपको सिम स्लॉट देखने को मिल जाता है। तो ये ट्रिपल कार्ड स्लॉट तो होना चाहिए। कहाँ है हमारा सिम इजेक्शन टूल, ये रहा दोस्तों, मिल गया। तो देख लेते हैं ओपन करके। जी हाँ दोस्तों, सही बताया था मैंने आपको, यहाँ पर ट्रिपल कार्ड स्लॉट देखने को मिल जाएगा। तो काफ़ी खुशखबरी दोस्तों, ट्रिपल कार्ड आपको मिल रहा है यहाँ पे। बात करता हूँ ऊपर की साइड, तो आपको कुछ देखने को नहीं मिलेगा। इस साइड आपको पावर का बटन इसका देखने को मिल जाता है। अब मैं बैक साइड की बात करता हूँ, डिज़ाइन तो काफ़ी अच्छी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। डिज़ाइन आपको काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाती है। दो कैमरा बैक साइड में आपको देखने को मिलेंगे। पहला कैमरा आपका 13 MP का होगा, और दूसरा कैमरा आपका 2 MP का होगा। बगल में आपको यहाँ पर फ्लैश लाइट देखने को मिलेगी, और यहाँ पर आपका फिंगरप्रिंट सेंसर भी देखने को मिल जाता है। तो इसको जल्दी से बढ़ा देते हैं आगे, बाकी और तो मैंने बता दिया आपको सब कुछ।
तो आपका फोन यहाँ पे ओपन हो गया, बड़ी जल्दी ओपन हो गया। बाकी फोन तो बहुत टाइम ले लेते हैं, पर ये बड़ी जल्दी आपका ओपन हो गया। तो डिस्प्ले की बात करी थी मैंने आपको, तो यहाँ पे आपको 6.22 इंच की HD प्लस डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, जो कि वाटर ड्रॉप होगी। यहाँ पे आपको फ्रंट कैमरा जो देखने को मिलेगा वो आपको 5 मेगापिक्सल का देखने को मिल जाता है। तो अभी दोनों को मैं चेक करा दूंगा आपको। बाकी मैं डिस्प्ले क्वालिटी की बात करूँ तो काफ़ी अच्छी है दोस्तों, इसमें कोई डाउट नहीं है, काफ़ी अच्छी डिस्प्ले क्वालिटी आपको देखने को मिल जाती है। आइकन भी काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, काफ़ी अच्छे आइकन है। इसमें आपको कुछ प्री इंस्टॉल ऐप देखने को मिल जाएंगे, आपके यूज़ के होंगे तो आप रखना, नहीं तो आप इनको डिलीट कर देना, क्योंकि आपको केवल 3 GB रैम देखने को मिलती है, तो जिसमें फालतू के ऐप हैं उन्हें आप हटा सकते हैं। अब आता हूँ मैं इसकी सेटिंग की तरफ। तो अबाउट फोन, यहाँ पे डिवाइस नेम आपको देखने को मिल जाता है ओप्पो A12। मॉडल नंबर है जो इसका वो है CPH 2083। कलर वर्जन इसमें आपको देखने को मिलेगा 6.1.2। एंड्रॉयड 9 पे बेस है ये फ़ोन। अगर मैं यहाँ पे प्रोसेसर की बात करता हूँ तो आपको यहाँ पे हेलियो P35 प्रोसेसर देखने को मिलेगा ऑक्टो कोर का। रैम की बात करूँ तो 3 GB की रैम होगी। स्टोरेज की बात करूँ तो आपको 32 GB का स्टोरेज आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। ये क्या, आपको सिर्फ 18 GB का अवेलेबल स्टोरेज इसमें मिल रहा है, मतलब मैं कुछ समझा नहीं दोस्तों। काफ़ी कम स्टोरेज आपको यहाँ पे अवेलेबल देखने को मिलेगा। अगर मैं प्रोसेसर की बात करता हूँ इसमें, तो आपको मीडियाटेक का हेलियो P35 का प्रोसेसर मिलता है, मैंने बता दिया आपको, ठीक ठाक प्रोसेसर है दोस्तों। अगर मैं ऑफलाइन मार्केट की बात करूँ तो अगर इसके अकॉर्डिंग मैं वीवो को ले लेता हूँ Y11 को, और सैमसंग के M001 को ले लेता हूँ, तो आपको उस अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छा प्रोसेसर इसमें देखने को मिल जाता है। आप इसमें पबजी तो नहीं खेल पाएंगे शायद इतने अच्छे से, बट हाँ यहाँ पे आप पबजी लाइट आपका चल सकता है, पर लैग तो आपको सामना इस फ़ोन में भी करना पड़ेगा, क्योंकि इतना अच्छा प्रोसेसर नहीं है मीडियाटेक का हेलियो P35 का। तो दोस्तों मैंने आपको मेन फीचर इसके बता दिए हैं। अब मैं बात करता हूँ इसकी बैटरी की, तो आपको यहाँ पे 4230mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है, जिससे कि मैं खुश हूँ, काफ़ी ठीक ठाक बैटरी है। पर एडाप्टर आपको इतना अच्छा नहीं मिलता, तो काफ़ी टाइम 2-3 घंटे आपका चार्ज में ले लेगा अगर आप इसे फुल चार्ज करेंगे। तो अब जल्दी से मैं आपके लिए फेस लॉक और फिंगरप्रिंट ऐड करके ले आता हूँ, और इसकी स्पीड आपको चेक कराता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने आपके लिए फेस लॉक और फिंगरप्रिंट सेंसर को ऐड कर दिया है, तो इसकी स्पीड हम चेक करेंगे कि कैसी स्पीड इसकी इसमें आपको मिल जाती है। सबसे पहले फिंगरप्रिंट को देख लेता हूँ। तो दोस्तों काफ़ी अच्छी स्पीड आपको देखने को मिल रही है, नो डाउट काफ़ी अच्छी स्पीड आपको इसमें मिल जाती है फिंगरप्रिंट की। बिल्कुल टच करते ही आपका फ़ोन ओपन हो जा रहा है। मैं फेस लॉक चेक कर लेता हूँ। तो दोस्तों फेस लॉक की भी काफ़ी अच्छी स्पीड आपको देखने को मिल रही है, मैं जबकि कैमरे के पीछे खड़ा हूँ फिर भी एकदम फेस को रीड कर दे रहा है। अब बात करता हूँ मैं इसकी वेट की। तो दोस्तों यहाँ पे आपको सिर्फ 165 ग्राम वेट इसका देखने को मिलेगा, जो कि काफ़ी कम है दोस्तों, काफ़ी हल्का फ़ोन है और काफ़ी स्लिम भी है दोस्तों, एकदम हाथ पे आपके आराम से कैरी हो जाएगा, आपके जेब में भी होगा ये फ़ोन, तो आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा कि फ़ोन आपके जेब में है। तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे ये, काफ़ी थिन और काफ़ी स्लिम फ़ोन है, काफ़ी वेट कम है इस फ़ोन का। अब मैं आपके लिए फिर से एक अच्छे व्यू में बैठा हूँ, तो आपको एक बार फिर से कैमरा चेक करा देता हूँ, जैसे कि मैंने अपने वीवो V19 में आपको चेक कराया था। तो आप देखिए कैमरा, आपको मैं पहाड़ों के बीच बैठा हूँ तो आपको पहाड़ दिखाऊँगा कि कैसे इस फ़ोन में पहाड़ दिख रहे हैं आपको। तो दोस्तों अब मैं इस फ़ोन का कैमरा आपको चेक करा देता हूँ। सबसे पहले इसका नॉर्मल कैमरा अगर मैं देखता हूँ तो ये रहा दोस्तों इसका नॉर्मल कैमरा, जो कि 13 MP का है, तो सही है दोस्तों, काफ़ी अच्छा 13 MP का कैमरा भी आपको मिल जाता है। पोर्ट्रेट मोड की बात करो तो इसमें आपको पोर्ट्रेट मोड भी देखने को मिलेगा, जो भी ठीक ठाक है दोस्तों। और दोस्तों इसमें आपको ना तो नाइट मोड देखने को मिलेगा, ना ही आपको वाइड एंगल मोड इसमें होगा, बाकी वीडियो आप इसमें बना सकते हैं। तो एक बार मैं आपको फ़ोटो जूम करके दिखा देता हूँ इस फ़ोन में कि देखिए। तो दोस्तों कैमरा तो इसका ठीक ठाक है, बैक कैमरे की बात करता हूँ तो मैं ठीक ठाक कैमरा आपको इसमें देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों मैंने आपको बैक कैमरा दिखा दिया था इसका, अब मैं इसका सेल्फी कैमरा आपको दिखा देता हूँ, जो कि आपको 5 MP का देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये रहा आपका सेल्फी कैमरा, तो काफ़ी अच्छा कैमरा इसमें आपको सेल्फी भी देखने को मिल रहा है। 5 MP का है पर फोटो आपको एकदम क्लियर देखने को मिल जाती है, इतनी अच्छी भी नहीं है पर नॉर्मल फोटो आपको देखने को इस फ़ोन में देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये फ़ोन, मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको कौन सा फीचर इसका सबसे अच्छा लगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं दोस्तों तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना।